आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी रीतिकाल के कवियों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका जन्म 1603 और मृत्यु 1664 के लगभग मानी जाती है। ये जो जन्म तिथियां दी गई हैं, ये इनमें मतभेद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय का अंतर हमें कई जगह देखने को मिल जाता है। बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में बीता और बाद में जब इनका विवाह हुआ तो ये मथुरा चले गए, जैसा कि इस दोहे से ही स्पष्ट प्रकट होता है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर मथुरा बसी ससुराल। बाद में मथुरा से ही कहते हैं कई राजाओं से इनका परिचय हुआ और कुछ समय पश्चात ये जयपुर आ गए। जब ये जयपुर आए तब जयपुर नरेश अपनी एक नबोड़ा रानी के प्रेम में बहुत डूबकर राजकाज को भुला बैठे थे। आपने सुना ही होगा उस समय बहुत से मंत्रियों ने प्रयास किया लेकिन राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तब बिहारी ने अपने एक दोहे के माध्यम से राजा जयसिंह को बोध कराया और वे फिर से अपनी राजकाज में लग गए। उन्होंने जो दोहा बोला था वो आप सब शायद जानते ही होंगे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस प्रकार अन्योक्ति परक इस दोहे के माध्यम से उन्होंने न केवल जयपुर के राजा का दिल जीत लिया बल्कि वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में ही रख लिया। इस प्रकार बिहारी तब से लेकर बाद तक जयपुर में ही रहे। बिहारी ने एकमात्र रचना लिखी है और वो है बिहारी सतसई। यह मुक्तक है, जैसा कि इसका नाम से ही है कि सतसई 700 दोहों का संग्रह। कोई इसमें 713 दोहे बताता है, कोई 719। बिहारी की यह जो सतसई है इसमें प्रमुख रस श्रृंगार है लेकिन इसके अतिरिक्त उसमें सभी तरह के रसों का परिपाक बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। इसका एक एक दोहा बहुत ही कलात्मक, अपनी कलात्मकता का अनुपम उदाहरण है इसके दोहे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये जयपुर नरेश के पास रहने लगे थे तो राजा जयसिंह प्रसन्न होकर उनके एक एक दोहे पर उन्हें एक एक अशर्फी दिया करता था और इसलिए वो हमेशा नए से नई कोई उसमें भाव कभी नए अलंकार उसमें उसका प्रयोग करते थे ताकि उनके दोहे में हमेशा एक नवीनता आ सके। बिहारी सतसई में जिस प्रकार का भावनात्मक एवं कलात्मक सौंदर्य देखने को मिलता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु फिर भी उन्हें उनका बहुत सुंदर ज्ञान था और इसीलिए उन्होंने अपनी रचना में उसका समुचित प्रयोग किया है। वे बहुत ही कलात्मक दोहे लिखने में सिद्धहस्त थे। रीति ग्रंथ की रचना न करते हुए भी वे उस परंपरा में सिद्ध थे और इसीलिए बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा गया है। बिहारी ने रीतिबद्ध कवियों की कलात्मकता और रीति मुक्त कवियों की स्वच्छंद भावानुभूति दोनों का सुंदर समन्वय अपने काव्य में किया है, अपने दोहों में किया है और इसीलिए बहुत ही उन्होंने एक एक छोटे दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भाव भर दिए हैं कि देखने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। और इसीलिए बिहारी के बारे में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे जो नाभक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जैसे कोई कुशल योद्धा बहुत ही अपने सधे हुए बाणों को चलाता है और वो बाण देखने में उसकी नोक छोटी सी लगती है लेकिन वो विष बुझे बाण घाव बहुत गंभीर करते हैं, ठीक इसी प्रकार से दो पंक्ति का दोहा ऐसा छोटा छंद उसमें भी बिहारी ने इतने भाव भर दिए हैं, इतनी विशेषताएं भर दी हैं कि उन्हें उसमें महारत हासिल थी और इसीलिए यह दोहा उनके ऊपर बहुत सटीक बैठता है। अपने दोहों की लोकप्रियता के कारण ही बिहारी का नाम आज भी लोगों की जुबान पर है। बिहारी की
जो एकमात्र कृति है बिहारी सतसई, उसकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार से है। बिहारी ने इसमें श्रृंगार का प्रमुख रूप से वर्णन किया, वैसे सभी विषयों का वर्णन है लेकिन प्रमुख रूप से श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार के भी उन्होंने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों के अनेक रूपों का वर्णन किया है। बहुत सारे दोहे हैं जहां बिहारी के संयोग पक्ष को एक एक बारीकी से, एक एक उसके एक एक हाव भाव को, एक एक रूप को और बहुत बारीकी से चित्रण किया गया है। संयोग पक्ष में उनके अनुभवों का, भावों का बहुत सूक्ष्म चित्रण है, जिससे जिस मार्मिकता से किया गया वह देखने लायक है। यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया है जो आप देख रहे होंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे देन कहे नट जाए। इसी प्रकार से नारी के सौंदर्य की, नायिका भेद की, उनके मिलन प्रसंगों की, इतने अलग अलग तरह से उन्होंने उसका बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार वियोगावस्था में भी जो विविध स्थितियां हैं उनका विस्तार से वर्णन हमें बिहारी सतसई में देखने को मिलता है। बहुत जगह तो बहुत सुंदर स्वाभाविक वर्णन है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी कर दिया है, जिससे कहीं कहीं हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है और कहीं हमें आश्चर्य लगता है कि क्या ऐसा भी कभी संभव हो सकता है। तो बहुत तरह से उन्होंने, कभी उन्होंने अलंकार के मोह में ऐसा किया है, कभी नायिका के सौंदर्य को बहुत कहना चाहिए कि उस पर जोर डालने के लिए उसे इस तरह से वर्णन किया है, तो उनमें कभी कभी ऐसा हुआ है कि स्वाभाविकता न होकर वो बहुत अटपटे या अतिशयोक्तिपूर्ण या कहना चाहिए बहुत कलात्मक भी हो गए हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है कि विरह से व्याकुल एक जो नायिका है वह इतनी पतली है, इतनी तनवंगी है कि जब वो सांस लेती है तो अपने सांस के साथ ही आगे पीछे ऐसे घूमती है जैसे किसी घड़ी का पेंडुलम, है ना। तो उसका उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है कि इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। तो जैसे वो सांस लेती है तो आगे और सांस छोड़ती है तो पीछे, जैसे कोई चीज हिलती डुलती रहती है, इसी प्रकार उसकी बिहारी की जो नायिका है वह भी अपनी सांसों के साथ आगे पीछे होती रहती है। बिहारी ने संयोग एवं वियोग पक्ष के चित्रण के साथ साथ प्रकृति चित्रण का भी बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। यद्यपि प्रकृति चित्रण उनका उद्दीपन रूप में ही अधिक आया है, षड ऋतुओं का वर्णन भी दिखाई देता है हमें, जहां विभिन्न ऋतुओं के चित्रण में उन्होंने नायिकाओं के साथ जोड़कर उसका वर्णन किया है कि यदि नायिका विरह विदग्धा है, वह विरह में व्याकुल है, तो किस प्रकार से सावन में उसको कष्ट है, भादों में क्या हो रहा है, इस तरह से ऋतुओं को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन कहीं कहीं आलंबन रूप में भी हमें प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिल जाता है। जैसे कि इस दोहे में आप देखिए ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। वो कहते हैं, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। जहां बहुत भयंकर गर्मी है और उससे बचने के लिए सब लोग अपना बैर भाव छोड़कर एक ही जगह किस प्रकार रह रहे हैं, यह देखने लायक है। इसी तरह उन्होंने भक्ति भावना का भी अच्छा चित्रण किया, यद्यपि वो मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। बिहारी की जो भक्ति भावना है वो वैसी भक्ति भावना नहीं है जैसी हमें भक्ति काल में दिखाई देती है, जहाँ ईश्वर के प्रति अनन्य भाव है, वह नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं कहीं बहुत सुंदर भक्ति के दोहे लिखे हैं। हालांकि उनकी कविता में भक्त कवियों जैसी न कातरता है, न दैन्य भाव है, न अनन्यता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं, जैसे उनकी पहले ही दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की छाई परे श्याम हरिदूत होए। यहाँ पर वो राधा के प्रति अपनी भक्ति
क्योंकि उन्हें लगता है कि राधा के प्रति हमारा समर्पण होगा तो कृष्ण तो स्वयं ही उनके साथ बंधे चले आएंगे। और इस तरह से उन्होंने अनेक कई दोहों में अपनी भक्ति का परिचय दिया है। श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति के अतिरिक्त भी बिहारी ने बहुत से विषयों को अपने दोहों में समाहित किया है। भौतिक जीवन से रूबरू बिहारी ने राजनीति, भेषज, ज्योतिष, दर्शन, व्यष्टि और समष्टि के हृदयहारी चित्रण किए हैं। उनको ज्योतिष, वैद्य, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बहुत ज्ञान था। उन्होंने नीति के ज्ञान के अनेक दोहे लिखे हैं। उनकी संख्या श्रृंगार की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेक विषयों पर अनेक दोहों को लिखा है। जैसे एक देखिए, यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए, मीत न नीति गलित यह जो धन जोरिए, जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। कितनी सही बात कही है कि इस संसार में रहते हुए धन का महत्व कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी धन नहीं जोड़ना चाहिए कि खाने खर्चे से तो हम बचा लें और केवल जोड़ने में ही लगा दे। तो जब हम खाने पीने में पूरा खर्च करते हैं और फिर कोई बचे तो निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार वो कहते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के एक ही राशि में होने से अंधकार बढ़ जाता है, तो उसको भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा है। एक दोहा है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलि पावस रविचंद। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हम बिहारी के देख सकते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उनको विभिन्न विषयों का ज्ञान था। जैसे एक और उदाहरण देखिए कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाय, जो आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। कितनी सही बात कही है कि जिन आंखों से हम सारी दुनिया को देखते हैं वो आंखें ही नहीं देखी जाती। ठीक इसी प्रकार जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया है, इस दुनिया का सृजन किया है, उसी को हम भुला बैठते हैं और दुनियादारी में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। इस प्रकार बिहारी ने बहुत से विषयों का सुंदर चित्रण अपनी इस बिहारी सत्संग में किया है। उनके न केवल भावात्मक दृष्टि से बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी बहुत ही दोहे परिपक्व हैं। बिहारी ने जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियों को अपने दोहों का विषय तो बनाया ही है, साथ ही उनका कलात्मकता पर भी उतना ही जोर दिया है। मुक्तक परंपरा के होने के साथ साथ उन्होंने रस, भाव, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि सबको अपने दोहों में समाहित कर लिया है। इसीलिए एक उदाहरण देखिए कि तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े संग, जे बूढ़े सब अंग। वो कहते हैं कि जो इनमें पूरी तरह से डूब जाता है वही असल में उसका पार पा पाता है, उसका सार ग्रहण कर पाता है, उसको पूरी तरह उसमें तल्लीन होकर उसका आनंद ले पाता है। तो बिहारी का समस्त जीवन ही काव्य साधना में बीता है और उनका अपनी भाषा पर बहुत ही कहना चाहिए कि जबरदस्त अधिकार था। भाषा का प्रयोग उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। सार्थक शब्दों के द्वारा उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली बिंब उपस्थित किए हैं। वो कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति के मेल में बिहारी को एक सर्वश्रेष्ठ कवि कह सकते हैं हम, रीतिकाल का उन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि बना दिया है, सरताज बना दिया है। इस प्रकार बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि सिद्ध होते हैं।